टाइम स्विच को सेट करने के लिए सेट बटन को 2 सेकंड तक दबाए रखें, जिससे ऑन की एलईडी ऑन होगी। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे आउटपुट को कितने बजे ऑन करना है उसका टाइम हमें डालना है। अप और डाउन की मदद से आप टाइम को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। टाइम डालने के बाद एंटर की को दबाइए। एंटर की दबाने से अभी ऑफ की एलईडी ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे आउटपुट को कितने बजे ऑफ करना है उसका टाइम हमें डालना है। टाइम डालने के बाद एंटर की को दबा दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम हमारा जो आउटपुट है उसे कब ऑन और कब ऑफ करवाना है उसका टाइम हमने डाल दिया। हमारे आउटपुट को दूसरी बार कितने बजे ऑन करना है उसका टाइम हमें डालना है। टाइम डालने के बाद एंटर की को दबाना है। उसके बाद ऑफ की एलईडी ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे आउटपुट को दूसरी बार कब ऑफ करना है उसका टाइम हमें डालना है। टाइम सिलेक्ट हो जाने के बाद एंटर की को दबाना है। अब CLK यानी कि क्लॉक की लाइट चालू हो जाएगी। ये 2 times वाला मॉडल है, इसलिए इसमें हमें 2 बार ऑन का टाइम और 2 बार ऑफ का टाइम का फीचर मिलता है। इसमें 10 times वाला भी मॉडल अवेलेबल है, तो उसमें ये स्टेप है वो हमें 10 बार करना पड़ेगा। अब हमें हमारी टाइम स्विच में एक्चुअल टाइम यानी कि अभी घड़ी में कितने बजे है वो एक्चुअली हमें एंटर करने हैं। ये टाइम स्विच 24 hours फॉर्मेट पे काम करती है। जैसे कि मेरे मोबाइल में अभी 17:08 यानी कि 5:08 दिखा रहा है, तो ये टाइम हमें हमारे टाइम स्विच में डालना है। उसके बाद एंटर दबाना है। अब हमारी टाइम स्विच सेट हो गई है।